देखिए दोस्तों, ये एक 10 बाई 10 का रूम है जो मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए ये एक 10 बाई 10 का रूम है। 10 इसकी लंबाई है, 10 इसकी चौड़ाई है, ये सब 10 बाई 10 का रूम हो गया है। और ये बीच में होती है इसकी सीलिंग, ये भी 10 बाई 10 की है। तो वाई बराबर 10 बराबर 100, 1 2 3 4, इसकी 4 दीवारें हैं और एक सीलिंग है, यानी कि 5। तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के बाद देखो, ये हमारा 500 आ गया, यानी कि 500 स्क्वायर फीट हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद हम जो हमारे इसमें रूम में कुछ दरवाजे होते हैं और एक विंडो लगी होती है और एक छोटा सा वेंटिलेटर ही होता है। तो 4 फीट की इसकी चौड़ाई होती है, 7 फीट मिनिमम हाइट होती है इसकी। तो दोस्तों, 7 7 की मल्टीप्लाई करके 4 × 7 = 28 फीट। ठीक, और 4 बाई 4 ये होती है, यानी कि 4 × 16, ये 4 × 4 = 16 फीट। और 2 बाई 2 बाई 4 का होता है, यानी कि 2 2 × 8, 8 फीट का ये हो गया हमारा। ठीक, तो हम इसे जोड़ लेते हैं, 22 ही आ गया। और 3 3 2 5, यानी कि हमारा 52 फीट माइनस हो जाएगा 500 में से। ठीक है, 500 में से माइनस 52 फीट कर देंगे तो बराबर का जो हमारा बच रहा है, ठीक है, वो देखिए 400 रहा है, यानी कि 448 फीट हमारा 10 बाई 10 के कमरे में हमें काम करना है। ठीक, करना है। तो देखिए, ये 448 फीट एरिया हो रहा है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा पुट्टी का खर्चा कितना आने वाला है, यानी कि कितने बैग हमारे इसमें लगने वाले हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, 1 केजी पुट्टी में लगभग 10 फीट पुट्टी हो जाती है। ठीक है, और 10 फीट उतनी होती है, तो अपना हिसाब लगा लीजिए, 10 फीट पुट्टी होती है। हम इससे यहाँ भाग करेंगे तो लगभग लगभग हमारा जो हिसाब निकल के आ रहा है, इतना लंबा समझाना थोड़ा पड़ जाएगा, देख तो मैं भी आपको लिख कर समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों देखिए, जैसे ही मैं बता रहा था आपको, 1 किलो पुट्टी में 10 फीट पुट्टी हमारी लग जाती है। तो हमारा जो एरिया बैठ रहा था 448 फीट, वहाँ पर हमने 10 से भाग करने के बाद 44 किलो 800 ग्राम यहाँ पर पुट्टी हमारी निकल के आ रही है। तो अब देख लेते हैं पुट्टी का रेट कितना बैठ रहा है। 40 किलो की पुट्टी का हमारा एक बैग लगने वाला है, जिसकी कीमत 850 या 780 रुपये होने वाली है। अगर आप जे के बिरला वाइट का पुट्टी का कट्टा लगाते हैं तो इसके रेट देखने को मिलेंगे आपको बिरला वाइट के 850 रुपये और जेके के 780 रुपये। ठीक है, आप इसमें से कोई सभी, आप इन दोनों में से कोई सभी लगवा सकते हैं, दोनों बेहतरीन है, दोनों की क्वालिटी नंबर 1 है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। यहाँ देखिए, 40 किलो पुट्टी 850 रुपये हमें लगानी है, 44 किलो यहाँ पे हम 5 किलो ऐड करना है हमें, चलो 5 किलो ही ले लेते हैं। तो ये हमें 5 किलो 30 रुपये किलो में भाव भाव की मिलेगी, खुली हुई मिलेगी, यानी कि 3×5 = 15, 150 रुपये प्लस 850 रुपये, यानी कि 1000 रुपये की पुट्टी हमारी ये लगभग बैठनी है। ठीक है, पुट्टी होने के बाद, डबल पुट्टी होने के बाद यहाँ पे
रिगमाल पेपर की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे 220 या 320 नंबर का रिगमाल हम लगा सकते हैं। इसकी MRP 15 रुपये पर पीस हमें पड़ने वाली है। यहाँ पर हमारा एक कमरे में 5 से 6 पीस लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15×75 यानी कि हमारी जो कॉस्ट निकल के आ रही है रिगमाल की, वहाँ 75 रुपीस आ रही है। तो आगे की बात करते हैं, ये वॉल प्राइमर है। उसके बाद पुट्टी होने के बाद, रेगमाल लगने के बाद जो वॉल प्राइमर होता है, जो हम हाई क्वालिटी वाला अगर लगाना चाहते हैं तो वह 4 लीटर का 800 रुपये का पड़ेगा। वो सिल्वर प्राइम जिसे बोलते हैं बर्जर का, या उसमें भी बर्जर का BP प्राइमर हम लगाते हैं अगर, तो वो हमें 400 रुपये का पड़ने वाला है, ठीक। ये आप दोनों की चॉइस है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। बात करते हैं पेंट की। पेंट अगर लगाना चाहते हैं तो जो हमारा 448 फीट एरिया बैठ रहा था उसमें लगभग 8 से 10 लीटर पेंट लगने वाला है। तो हम 10 लीटर के ही पेंट की बाल्टी लेंगे, ताकि छोटा पैक लेते हैं तो महंगा मिलता है, इसलिए हम 10 लीटर की बाल्टी लेने वाले हैं। यहाँ पे भी हाई और लो की बात हम करने वाले हैं। लो क्वालिटी बात करते हैं तो 1200 से लेके 1500 या 2000 रुपये तक के बीच में हमारी बाल्टी 10 लीटर की मिल जाती है। वहीं अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो 3000 से लेकर 4000 रुपये तक के बीच की हमारी बाल्टी। दोस्तों, अगर हम लो क्वालिटी की पेंटिंग की सामग्री के बारे में बात की जाए तो हम उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जो हमारा लो क्वालिटी की सामग्री बैठने वाली है, तो जिसमें कि एक तो हमारा 4 इंच एवरेज होने वाला है 150 रुपये, और एक रोलर होने वाला है जिसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के बीच में होने वाली है। ना चलो कि हम इसमें 100 रुपये वाला ही ऐड हमने कर लिया है। और देखिए, पुट्टी का बैग इसमें हमारा लगने वाला है, हमने बताया था पीछे, यानी कि 44 किलो पुट्टी हमारी लगने वाली है, यानी कि 40 किलो 850 रुपये की, और हमारे 5 किलो और जोड़ी तो 1000 रुपये की पुट्टी हमारी यहाँ पर बैठी थी, ठीक है। इसमें प्राइमर जोड़ रहे हैं, लो क्वालिटी वाला मतलब BP प्राइमर है हमारा ये। अगर हम BP प्राइमर की बात करते हैं तो 400 रुपये हमारा बैठ जाता है। जब हम पेंट की बात करते हैं तो पेंट हमारा यहाँ पर 2000 रुपये की बाल्टी मिनिमम अच्छी मीडियम यहाँ लग जाती है। यहाँ डाई की बात कर लें तो हमारी यहाँ डाई यहाँ पर 600 रुपये में दोनों कंप्लीट हो जाती हैं, और रेगमाल और पत्ती की अगर बात की जाए तो 100 रुपये में भी हमारा सामान बैठ जाता है। यहाँ पर दो सब चीज़ों को मिलाकर 4100 रुपये ही हमारा कंप्लीट होकर आया है। यहाँ पर लेबर रेट की अगर बात की जाए तो 448 स्क्वायर फीट बराबर 7 रुपये फिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3200 रुपये यहाँ पर लेबर चार्ज बैठ रहा है, जो आपको ये साफ साफ अक्षरों में ये दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पर पेंट का खर्चा हमारा बैठ रहा है 4100 रुपये प्लस लेबर चार्ज बैठ रही है 7300 रुपये। 7300 रुपये यहाँ पर लो प्राइस में होने वाला है। चलो अब बात करते हैं हाई क्वालिटी के बारे में। जो 10x10 का रूम है, सिंगल रूम, पेंट की सामग्री इसमें भी सेम वही होने वाली है जो उसमें थी। 150 रुपये का ब्रश आ गया इसमें, 100 रुपये का रोलर आ गया, और 1000 रुपये की पुट्टी, ये तो सेम वही है। प्राइमर की बात में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 400 रुपये का यहाँ पर अंतर उसमें आया है, और 400 का 800 रुपये का यहाँ पर। पेंटिंग में बात की जाए तो यहाँ पर 1500 रुपये का खर्चा इसमें हमारा और बढ़ा है। उन्होंने 3500 रुपये बाल्टी लगाई जा रही है। डाई की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे देखने को मिल रहा है यहाँ पर 400 रुपये का और इसमें हमारा ऐड होना पड़ रहा है। रेगमाल और पत्ती बात की जाए तो ये तो सब सेम ही है, इसके मिलाकर हमने 6650 रुपये यहाँ पर पूरा जो पेंटिंग सामग्री के जो कॉस्ट निकल गया है 6650 रुपये आया है। उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसकी भी बहुत यहाँ पर लेबर चार्ज 3200 रुपये पेंटर को देना पड़ेगा, जिसमें हम 6650 रुपये और 3200 रुपये यहाँ पेंटर को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 9850 रुपये, ठीक है। अगर आप
2,850 रुपये कंपलसरी हैं।